जय माता जी। दोस्तों आप देख रहे हैं धर्म भक्ति। दोस्तों 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इन 4 राशियों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, अतः हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दिसंबर माह में सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण जो है माह की शुरुआत में लगेगा, जो कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों एक अशुभ समय के रूप में देखा जाता है। इस ग्रहण के दौरान जो है सूर्य ग्रह पीड़ित होकर दुर्बल अवस्था में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कौन सी वो राशियां प्रभावित होगी इस सूर्य ग्रहण में। दोस्तों 4 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। सुबह 10:59 पर शुरू हो जाएगा, जो कि लगभग 4:03:07 पर पूरा होगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि से लगेगा। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों अमावस्या तिथि पर वृश्चिक राशि में चतुर्युग बन रहा है, इसलिए इस राशि में सूर्य, बुध, चंद्रमा और पाप ग्रह हेतु विराजमान रहेंगे। इसलिए इन राशियों पर इनका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहां तक बात करें पहली राशि की दोस्तों, तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए साल का आखिरी सूर्य ग्रहण बहुत ही अशुभ बन रहा है। ग्रहण के दौरान आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिना वाद विवाद आपके मित्रों से हो सकते हैं, संतान की ओर से तनाव बना रहेगा, अतः फालतू के वाद विवाद करने से बचे। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो तुला राशि लोगों के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वाद विवाद में ना पड़े, अन्यथा झगड़ा हो सकता है। ग्रहण के दौरान अपनी सेहत का भी बराबर ध्यान रखें। नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो वृश्चिक राशि में आ रही है। सूर्य ग्रहण के दौरान मानसिक चिंता टेंशन बनी रह सकती है। इस अवधि में दोस्तों आपको कुछ तनाव भी झेलने को मिलेगा। किसी भी प्रकार की परेशानी से आपका धन और समय दोनों ही बर्बाद होंगे, इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और जहां तक हो सके अपने धन और समय का संयम रखें। गृह कलेश का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए दोस्तों सूर्य ग्रहण के दौरान आपको आपके कार्य क्षेत्र कार्यकलाप में चुनौती का सामना करने को मिलेगा। नौकरी में इच्छा के विरुद्ध ही स्थानांतरण हो सकता है और मन जो है आपका अध्यात्म से उपट सकता है। पिता से अकारण वाद विवाद हो सकता है, ऐसे में इस दौरान दोस्तों आपको काफी सतर्कता बरत रखने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण पर किन राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक खास नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।